बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ चिकन चीज़ी रोल, जो कि बिल्कुल सिंपल सी तीन चार अशिया से मैं बनाऊंगी और काफ़ी टेस्टी बनने वाले ये चिकन चीज़ी रोल हैं। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने डाल देना है ऑयल, जो कि 2 से 3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल देना है। साथ ही हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, जिसे मैंने रफली सा चॉप कर लिया है। प्याजों को हमने बस ट्रांसपेरेंट सा करना है, इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। हल्का सा हमने इसे ट्रांसपेरेंट सा कर लिया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 क्यूब की लहसुन की, जो कि 1/2 टीस्पून बनता है। तो इसे मैं हल्का सा ऐसे मर्ज कर दूँगी। लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया अच्छी तरह। तो अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल दूँगी। मैदा डालने से बाइंडिंग बड़ी अच्छी हो जाती है। इसे हमने भूनते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरह कलर ना इसका चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू जब तक ना आए, हमने इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। स्पाइसी डाल दूँगी, 1/2 टेबल स्पून में डालूँगी साल्ट, 1/2 टेबल स्पून में डालूँगी चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून में डालूँगी ब्लैक पेपर। हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे। इसमें आप डाल दूंगी चिकन, जो कि हंसते ज़रूरत है। अच्छी तरह इसे मैं भून लूंगी। 2 मिनट आपने अच्छी तरह इसे भून लेना है। अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है। आप मैं हल्के जोर ले लूँगी दूध। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। अच्छा जी, चिकन मैंने तैयार कर लिया था और इधर मैंने 1 पाव मैंने चिकन ले लिया था, जो मैंने बनाया है आपके सामने। तो इधर मैंने ले लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, तकरीबन 1/2 किलो से थोड़े से कम है। तो साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ ले लिया है, इसे मैंने ऐड करना है। नमक है हस्बे ज़रूरत। 1 अंडे की जर्दी मैंने डालनी है। क्वांटिटी आपकी कबाबों की ज़्यादा है तो फिर आप 2 अंडों की जर्दी डाल लें। मैंने इधर 1 अंडा ले लिया है, इसकी जर्दी मैं डाल रही हूँ। और सफ़ेदी में जब मैं इसकी जो फ्राई करूंगी तो सफ़ेदी उस वक्त काम आ जाएगी। साथ ही हरा धनिया ले रही हूँ, मिर्च ले रही हूँ 1/2 टेबल स्पून, देसी घी ले रही हूँ 1 टेबल स्पून। सबसे पहले मैंने हमने इसमें डाल देनी है काली मिर्च। सुरख मिर्च डाल देंगे 1/2 टीस्पून, काली मिर्च भी मैंने 1/2 टीस्पून डाली है। 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी, 1/2 टेबल स्पून डाल दूंगी साल्ट। जर्दी डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून देसी घी डाल रही हूँ। अगर आपके पास मक्खन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया डाल देंगे। इसकी मैं अच्छी तरह मिक्सिंग करूंगी, इसे करूंगी साइड पे। तो स्पैचुला की मदद से हम इसे अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ ताकि कलर अच्छा सा बने।
मिक्सिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसमें मैं चिकन ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चिकन ऐड कर देंगे, साथ ही मोज़रेला चीज़ ऐड कर देंगे। आपके पास चेडर चीज़ है तो वो भी आप डाल सकते हैं, दोनों है तो आप फिर दोनों आधी आधी क्वांटिटी में आप डाल सकते हैं। अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करेंगे। स्पैचुला रख के तो हाथ की मदद से मैं इसे मिक्स करूंगी। जो हाथ से मिक्सिंग होती है वो किसी भी चम्मच या कोई भी स्पैचुला की मदद से नहीं हो रही। तो इस स्टेज पे आपको ज़रा सी भी मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब मैं इसे बनाती हूँ रोल। अच्छी तरह मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है, अब इसके हम रोल बनाएंगे। तो चलिए मिक्सिंग मैंने कर ली थी, अब मैं इसके जो है ना रोल बनाती हूँ। तो मैंने ऑयल से ग्रीस कर ली है हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितने साइज के आपने रखने हैं तो चलिए मैंने बना लिया है रोल। इसी तरह मैं बाकी बना के तो आपको मैं दिखाती हूँ। एक और मैं दिखा देती हूँ आपको। जितना बड़ा रखना है वो आपकी मर्जी है, साइज जो है ना आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए दूसरा भी रोल बन चुका है, सारे मैं बना के तो फिर दिखाती हूँ आपको। तो चलिए बारी आ चुकी है रोल को फ्राई करने की। तो इधर मैंने सारे रोल बना लिए हैं। तो इधर मैंने एग ले लिया, एक एग जो मैंने जिसकी जर्दी डाली थी रोल के अंदर और बाकी सफ़ेदी भी है इसके अंदर, तो एक अंडा मैंने और इसमें शामिल करके तो अच्छी तरह मैंने फेंट लिया है। इधर हमने कोटिंग करनी है पहले मैदे की, इसको सिक्योर करना है हमने रोल को। मैदा आप लगाएं तो सिक्योर हो जाएगा रोल, तो रोल ऑयल में जो है ना जो है क्रैक्स नहीं पड़ते, तो ना ही ऑयल गंदा होता है। तो उसके बाद फिर हमने एग लगाना है, एग के बाद फिर ब्रेड क्रम्स लगा के, तो फिर मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोल लेते हैं, पहले इसे मैदे में सिक्योर करना है सब रोल को। ऐसे ही मैदा लगा के चारों तरफ से आपने अच्छे तरीके से मैदे की बाइंडिंग करनी है। फिर हमने इस पे एग लगा लेना है। एक हाथ हाथ आपने खुशक रखना है और एक जो है ना वो अंडे वाला कर लेना है। अब इसकी कोटिंग करनी है, इसकी कोटिंग हमने करनी है सारी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोल की कोटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह मैं सारे बना के तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ फ्राई करने वक्त। तो चलिए जी रोल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। तो एक पाव चिकन से और चार आलू से हमने 15 से 16 अदद रोल बना लिए हैं। तो आप भी घर पे साफ़ सुथरे बनाएं, अपने बच्चों को दें। तो चलिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोल की मैंने कोटिंग करके तो ब्रेड क्रम्स लगा दिए हैं, तो अब इसे फ्राई करेंगे। तो एक पाव चिकन से और चार आलू से हमने इतने ज़्यादा रोल बना लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई लेके मैंने ऑयल रख दिया है, तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब मैं रोल फ्राई करूँगी। आपने बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रोलों को फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए
हल्के हल्के हाथों से मैं ऐसे खिलाऊंगी, ज़्यादा आपने टच नहीं करना, हल्के हाथ से बस। मैंने एक दफ़ा चम्मच चला लिया, जब इनके इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो फिर हम इन्हें पलटेंगे। तो आपने कढ़ाई के कढ़ाई को पकड़ के ना आपने ऐसे घुमा लेना है ताकि इक्वल कलर आए। नाजुक से ही होते हैं ना, चम्मच मारने से ये क्रैक्स आ जाते हैं तो फिर ऑयल में बिखर जाते हैं सारे ना रोल। तो ऐसे आपने कर लेना है ताकि इक्वल कलर आए। चलिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कलर कितना अच्छा आ गया। तो अब इन्हें मैं निकाल लूँगी। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए रोल हमारे रेडी हो चुके हैं। तो मैं इन्हें निकाल लूँगी, निकाल के तो मैं प्लेट में करती जाऊँगी। तो इसी तरह बाकी भी मैं निकाल के तो आपको फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। तो चलिए जी, डिश आउट करके मैंने दिखा दी है आपको। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलिए आपको मैं इसकी लुक दिखा देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रोल जैसे देखने भी मज़े के हैं, खाने में भी लाजवाब है। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा।